स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम आकाश मल होस्ट रहा है ये वंडर विद स्काई और हम पहुंच चुके हैं आज लेट्स टेक अ पॉज टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ दिस इनक्रेडिबल प्लेस। दिस इज द फीफी आइलैंड्स ऑफ थाईलैंड और आप वहां देख सकते हैं द फेमस माया वे ऑफ थाईलैंड। और आज मैं आ चुका हूँ इस ब्लॉक के स्टार्टिंग से ही ऑन अ डाइव बोट। व्हाई? बिकॉज मैं जा रहा हूँ स्कूबा डाइविंग करने। फाइनली आफ्टर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल चार महीने हो गए डाइव करे हुए एंड दिस इज गोना बी माय टाइम माय फर्स्ट टाइम टू बी डाइविंग एक्चुअली इन द फी फी आइलैंड्स इन द डाइव साइट्स हियर। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू किक दिस व्लॉग आउट फ्रॉम हियर बाय हियर। बिफोर दैट आई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग से काफ़ी मजा आ रहा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे सारे व्लॉग्स आपके लिए। ये नजारे ही कुछ ऐसे हैं। That being said, लास्ट हमेशा मैं बोलता हूँ हम जा रहे हैं अंडर द वाटर राइट नाउ एंड उसके बाद इन दिस व्लॉग वी गोना कवर द होल आइलैंड ऑफ फीफी। उसको आप लोग बोलते हो फीफी, इट्स PHI बट यहाँ पे लोग बोलते हैं फीफी, तो हम उसको फीफी बोलने वाले हैं। राइट नाउ आई एम गोइंग ऑन अ डाइव विद प्रिंसेस डाइवर्स हियर इन फी फी आइलैंड्स। तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, प्लीज गो चेक देम आउट। वंडरफुल, आप देख सकते हो डाइव बोट कितनी कूल है। इट्स अ प्रॉपर यॉट और नीचे डाइव इक्विपमेंट्स हैं वो मैं आपको नीचे जाकर दिखाता हूँ टिल वी रीच टू आवर फर्स्ट डाइविंग लोकेशन। और मैं आपको उसका एक छोटा सा ब्रीफ दूंगा वंस वी रीच देयर कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस डाइव साइट एंड हाउ वी कैन मेक इट सुपर ऑसम। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आई लव यू गाइज, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। सब्सक्राइब का बटन नहीं फोड़ा है तो किस चीज़ का इंतजार है, अभी फोड़ दो। बट अंटिल द नेक्स्ट टाइम। Buddy, are you comfortable being on the vlog? Yeah, super. Evan is a dive master here with Princess Divers. Yeah, that's right. Evan, which is what's our first dive site? Our first dive site's beaten up. So it's the furthest island from PP Don, so where we're staying. We can expect to see huge schools of yellow snappers. Hopefully the water is good. We might even see some black tip reef sharks in the bay. Oh wow. But yeah, we'll keep an eye on. Hopefully we're lucky today. Beta knockers. Beta knock. BIDNOK. Okay, so pehle dive site ka naam hai beta knock, okay? Jinko samajh nahi aaya tha unke liye beta knock aur right there in that direction. We're gonna head out. तो इंतजार किस चीज का है, चलो फटाफट गियर अप करते हैं और समुद्र के अंदर चलते हैं दोस्तों। एवरी टाइम आई डाइव इनटू द वाटर ऐसा लगता है कि मैं घर लौट आया हूँ। एक्सपीरियंसिंग आर्टिफिशियल कोरल्स एट द वाइकिंग केव डाइव साइट एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। समझ आया कि अगर हम अपनी प्रकृति का ध्यान ही रखेंगे तो हमें क्या क्या मेजर्स लेने पड़ सकते हैं जस्ट टू रिस्टोर इट एंड रीबैलेंस। पर ये एक डिफरेंट दुनिया है, एक डिफरेंट संसार जिसकी हमें इज्जत करना बहुत जरूरी है। After a crazy day, बहुत हवा टाइट हुई और हम आके बस पड़ गए और अब उठे हैं। अब समय हो रहा है 8:42, तो चलते हैं नाइट लाइफ दिखाते हैं तुम्हें इन फी फी आइलैंड्स। और अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो व्हाट ऑल डू यू हैव टू एक्चुअली डू एंड एक्सप्लोर हियर। क्या मतलब क्विक बाइट चाहिए? सो वी फाउंड वन ऑफ द बेस्ट पैनकेक बना रहे हो ना तुम? ड्राई पैनकेक।
अगर तुम्हें रात को लग रही है भूख और खाना वाना कहीं मिल नहीं रहा है तो दिस प्लेस पिज्जा कॉर्नर इज टेक्निकली ओपन टिल वेरी लेट. कल रात मैंने 1 बजे खाया था. एंड तुम्हें सी घाट में सलामी चिकन या मार्गरिटा पिज्जा में से कुछ मिल सकता है. तो ये तो दो स्पॉट्स तो फॉर श्योर कर लो. और पियर के स्टार्टिंग में हमें 7-Eleven है, तो अगर तुम्हें बियर बियर लेनी है इन केस यू लाइक टू ऑब्वियसली हैव अ बियर टू एंड यू वांट सिट ऑन द बीच एंड नॉट इन द शैक, तो वहाँ से बियर ले लो. 200 भाट में 4 मिल जाती है इंस्टेड ऑफ 2 जो आपको शैक पे मिलेंगी. एंड दैट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ बाइंग थिंग्स अराउंड. बट आई फाउंड माई फेवरेट रेस्टोरेंट ऑन दिस आइलैंड जो कि आपको लेके जाऊँगा फिर जो मुझे भूख लगेगी. Good morning guys, it's a great day. Aaj hum ja rahe hain towards Phi Phi Leh jo ki hai Maya Bay, jo maine aapko kal bataya tha ki jo 4 saal se band hai. And today we're gonna go around that part of the island and see kaisa dikhta hai aur aap logo ko dikha sakun main early in the morning guys, right? How pretty this part of the islands are, because ye ek national park hai, yahan pe log nahi rehte hain. So you have to pay a national park fee to enter these national park again. अभी समय हो रहा है कुछ 7:20, हमें पहुंचना था पियर पे अराउंड 7 बजे. तो हम 20 मिनट लेट हैं, उठे ही लेट थे, सोए लेट थे क्योंकि पर साई शॉप से बंद है ऑन द आइलैंड. एंड वी गोना हेड स्ट्रेट टू द पियर राइट नाउ एंड वहां से वी गोना टेक अ प्राइवेट लेल बोट विद आवर गाइड टू डिजन का नाम है रोज. एंड आई एम गोना शो यू एग्जैक्टली हाउ द ट्रिप इज गोइंग. तो लेट्स गो टू Phi Phi Leh और मैं आपको बोट के ऊपर मिलता हूँ. Diving with the sharks, हम जा रहे हैं towards Maya Bay, which is our next stop. और आप देख सकते हैं मेरे पीछे है Phi Phi Leh, जहाँ पे सारे टूरिस्ट रहते हैं. कॉम्पिटिशन है उस जगह का नाम है Phi Phi Don. एंड Phi Phi Leh में है द फेमस Maya Bay, जो कि एक फिल्म में फीचर हुआ था, इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया. राइट नाउ आई एम ऑन द लॉन्ग टेल बोट. Guys, finally पहुंच गए हैं Phi Phi Leh और ये है आपका Maya Bay. कप उनका और यहाँ हालत देखो आप. आज है यहाँ पे संकारन जो है कि है इनका थाई न्यू ईयर और भरा पड़ा है टूरिस्ट से. तो इन्होंने क्या किया है, जब लास्ट टाइम आया था आप बीच तक जाते थे, तो इन्होंने अब एंट्री साइड से बना दी है और बीच में अब तैरना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स. कितना बदल चुका है यार ये. पहले एकदम रॉ था जब मैं लास्ट में आया था और अब तो यहाँ पे मतलब आने का लेन अलग, जाने का लेन अलग. हाँ डूडू, हाँ है तो सुंदर पर काफ़ी टूरिस्टी कर दिया है. तो यहाँ पे एंटर करने के लिए आपको 400 भाट एनवायरमेंटल फी देनी पड़ेगी. दोस्तों ले लिया हमने अपना टिकट, यहाँ का कंजर्वेशन फी का टिकट ये रहा 400 भाट. कल मैंने 600 भाट दिए थे कुछ डाइविंग के लिए फॉर द नेशनल पार्क फी, आज मैंने दिया ये रहे यहाँ के रूल्स. कुरल नहीं उठाना, सनस्क्रीन नहीं लगाना, पॉलिएस्टर फोम नहीं यूज़ कर लाना, मच्छी को नहीं खिलाना, ड्रोन नहीं उड़ाना, तैरना भी नहीं है. सो बेसिकली यहाँ पे अब सब कुछ मना कर दिया गया है. ये रहा Maya Bay का मैप, हम लोग हैं अभी यहाँ पे एंड देन वी कैन गो टू द बीच. काफ़ी कमर्शियल
जब साने तो लास्ट टाइम आई थी तब ये नहीं था ना ये सब बिल्कुल भी नहीं तू कब आई थी 18 में आई थी नहीं आई केम 17 में आई थी इन 17 या 17 में आई थी ना हां या बट नन ऑफ दिस वाज देयर नाउ इट्स सो कमर्शियलाइज्ड इट वाज कंप्लीटली रॉ लाइक देयर वरंट इवन वॉशरूम्स प्रॉपर वॉशरूम बट नाउ दिस लुक्स लाइक अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन वेयर पीपल शुड एंड मस्ट कम नो लॉन्गर ऑफबीट बट आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन जब कोई चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तब उसको कमर्शलाइज करना पड़ता है क्योंकि एल्स यू नो सैंटिटी इज ब्रोकन एंड व्हिच आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंड हियर तो गाइस सब कुछ बदल चुका है फ्रॉम द लास्ट टाइम जब मैं यहां पे आया था बट फॉर यू गाइस दिस इज द माया बे और लास्ट टाइम जब मैं आया था बोट कुड एंटर फ्रॉम देयर एंड पार्क हियर बट फॉर कंजर्वेशन रीजन उन्होंने अभी बंद कर दिया है और इस पूरे आइलैंड को एकदम टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है हर जगह फट्टियां चलने के लिए लास्ट टाइम मैं आया था कुछ भी नहीं था सिर्फ मिट्टी और जंगल था So it's insane how things change in 4 years and I think tabhi ye band tha to make it more commercialized acche se isko frame out karne ke liye but for now if you guys are planning to come here definitely if you come to PP definitely come to Maya Bay because it's an experience in itself ab hum wahan jayenge to content milenge but tourist apart look at the archaeology look at the mountains surrounding it wow अगला स्टॉप हमारा फीफी ले के टूर पे है वाइकिंग केव्स तो वाइकिंग केव्स वहाँ रोज हेलो वेलकम टू माय व्लॉग सो रोज यहाँ पे रन करती है टूर्स एंड शी इज हेल्पिंग अस आउट विद एवरीथिंग व्हाई इज दिस कॉल्ड द वाइकिंग केव वाइकिंग केव आई डोंट नो बी लाइक एक्चुअली दे हैव लाइक थाईलैंड और समथिंग थाईलैंड थाईलैंड नेवर हैड वाइकिंग right yeah, yeah but maybe like someone like an old stone they have the cave inside and they have like the pending yeah wow ab hum andar to ja nahi rahe par chalo pani mein koodte hain thoda sa aur tumko dikhate hain andar kya hai